एवेंजर्स के इस सुपरहीरो का किरदार निभा सकते हैं सचिन तेंदुलकर। ब्रिटेन के अभिनेता बेनेडिक्ट कंबरबैच का मानना है कि भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सुपरहीरो डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार निभा सकते हैं। एक बयान के अनुसार सिंगापुर में अपनी आगामी फिल्म एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर के प्रेस टूर के दौरान कंबरबैच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रेटली से मिले और इस बारे में बात की। यह बातचीत केंट क्रिकेट लाइव के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा। ब्रेटली ने उनसे जब यह पूछा कि कौन सा खिलाड़ी डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में फिट बैठेगा, कंबरबैच ने कहा, सचिन तेंदुलकर डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में फिट बैठेंगे क्योंकि वे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। क्रिकेट पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बचपन में ग्राहम गूच मेरे हीरो थे। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और क्योंकि मैं एक विकेट कीपर था इसलिए मैं जैक रसेल को भी बहुत देखता था। यह शो 22 अप्रैल का प्रसारित किया जाएगा। बता दें कि 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्मे सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेला था। उन्होंने पहला वनडे मैच दिसंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ गुजरांवाला में खेला था। सचिन तेंदुलकर ने नवंबर 2013 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। 100 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर दुनिया के ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह शानदार रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट करियर में सबसे ज्यादा शतक बनाने की फेहरिस्त में सचिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम आता है, जिनकी रिकॉर्ड में 41 टेस्ट 30 वनडे शतकों से साथ कुल 71 शतक दर्ज हैं। पोंटिंग के बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा आते हैं जिनके नाम 63 शतक, फिर जैक कैलिस 62 शतक दर्ज हैं।